जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु यीशु मसीह है। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे सिवा छोड़कर इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जो आपके हृदय को परिवर्तित, आपके हृदय को आकर्षित करेगी, आपके जीवन को आकर्षित करेगी। आज मैं एक सच्ची घटना के बारे में आपको बताने वाला हूं। एक बच्चा था जो कि बहुत ही छोटा था। छोटी उम्र में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। उसके माता पिता की डेथ हो गई थी, जिसके कारण में उसे अनाथालय में भेजना पड़ा। और वो अनाथालय में रहकर क्या करता था, स्कूल में पढ़ाई करता था। लेकिन वहां पर कई लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वो एक काला था। कई लोग उससे नफरत करते थे। वहां के जो टीचर थे वो उससे अच्छे से रखते नहीं थे, उससे अच्छे से बात नहीं करते थे, उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। और वहां के जो बच्चे हैं उससे हमेशा काला काला करके पुकारते थे और तू तो अनाथ है, ऐसा करके उसे क्या करते थे, परेशान करते थे। बच्चा बहुत दुखी था, परेशान था, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिसके माता पिता नहीं है उसके ऊपर क्या गुजरती है। जिसका कोई नहीं होता उसका यीशु मसीह है। तो वहां के जो टीचर थे उसे अच्छे से रखते नहीं थे। उसे जब क्लास में बिठाया जाता था तो सबसे पीछे बिठाते थे। जब उन्हें खाना दिया जाता था तो सबसे लास्ट में खाना देते थे। कोई भी उसे जो खुशियों में प्रोग्राम में उसे शामिल नहीं करता था। वो बच्चा अकेला हमेशा रोता रहता था और इस दुख में था कि काश मेरे माता पिता होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन वो जो बच्चा था, छोटा बच्चा था, वो क्रिश्चियन में उसका जन्म हुआ था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह से हमेशा प्रार्थना करता था। जितना भी हो सके उतनी वो प्रार्थना करता था। एक दिन क्या होता है कि मिशनरी लोगों ने सोचा कि चलो हम स्कूल का दौरा किया जाए और वहां के जो बच्चे हैं उनको क्या करें, हम कुछ पुरस्कार, कुछ भेंट को क्या करें, गिफ्ट को देकर आते हैं। जब मिशनरी लोग आए, क्लासरूम में आए, सभी को बुलाया गया और वो बच्चा भी आया और वो बच्चा सबसे पहले आकर खड़ा हो गया। और मिशनरी लोग गिफ्ट बांटने ही वाले थे, उसी समय वहां का टीचर आ गया, उस बच्चे से बहुत गुस्सा हो गया और उससे कहने लगा कि तुमको किसने बोला कि सबसे आगे खड़े रहो। उस बच्चे को बोला कि तुम सबसे लास्ट में जाकर खड़े रहो। वो बच्चा रोता हुआ, शर्मिंदगी के कारण वो रोता हुआ पीछे लाइन में सबसे लास्ट में लग गया। वो रो रहा था, लेकिन अचानक वहां पर चमत्कार होता है। चमत्कार ये होता है कि वहां के जो मिशनरी लोग थे उन्होंने गिफ्ट बांटना तो शुरू कर दिया, लेकिन वहां जगह कम होने के कारण, क्योंकि जो पीछे ब्लैक बोर्ड आ गया था और आगे जो जगह थी वो बहुत ही कम थी, जिसके कारण से वो गिफ्ट बांटने में उसे परेशानी हो रही थी। यह बताया कि हम जो गिफ्ट है वो पीछे से बांटेंगे। तो आप जानते हैं पीछे कौन खड़ा था? ही बच्चा जो कि टीचर ने उसे सबसे लास्ट में भेजा था। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी समस्याएं, लेकिन आप कभी हार मत मानना। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल हमें बताती है, दूध पिलाती माता अगर छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इस दुनिया में हमारा केवल यीशु ही सदा अंत तक हमारे साथ रहता है। इस दुनिया में माता पिता छोड़ देंगे, भाई बहन छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु कभी हमें छोड़ता नहीं है। तो वहां पर चमत्कार हुआ और उस बच्चे ने एक बहुत ही बड़ा अच्छा उपहार, गिफ्ट वहां पर उसे मिला। तो ये तो एक चमत्कार है, परमेश्वर का कार्य है। जिसका कोई नहीं होता उसका परमेश्वर होता है। आमेन।